नमस्कार। आज हमारे इस शो में हम लोग बात करेंगे हिमालय हिमालय की, और खासकर हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिला, जो कि बॉर्डर का जिला है और जहाँ पर बहुत ज्यादा पन विद्युत परियोजनाएं, मतलब हाइड्रो पावर लग रहे हैं, और जिसकी बहुत क्षमता भी है, और उस क्षमता की दोहन को के बारे में आए दिन बहुत सारी बातचीत होती है। राज्य सरकार अपनी पूरी कैपेसिटी ये कहती है कि हमारी उसी कैपेसिटी के आधार पर हम अपने रिसोर्सेज जनरेट करते हैं, लेकिन उसी बीच में हमने ये भी देखा है कि जहाँ पर बिजली का दोहन हो रहा है, क्योंकि हिमालय जो है, और खासकर ये ट्रांस हिमालय की जो बात हो रही है, ये सबसे यंगेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन्स है, मतलब जो पूरे ये पहाड़ पैदा हुए हैं उसमें सबसे यंग है, और इसलिए इकोलॉजिकली बहुत ही फ्रेजाइल भी है। और मुझे खुद याद है अपने किसान सभा के एक्टिविज्म के दौरान नाथपा गांव को पूरा वहां से शिफ्ट करना पड़ा था, जो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट का था, और क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा स्लाइड्स थी। और अभी उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि काशंग प्रोजेक्ट आ रहा है, जो कि मूरंग तहसील है किन्नौर की, बहुत ही खूबसूरत जिला है देखने को, जिस जिला की, जैसे मैंने कहा, 8000 मेगावाट के आसपास कैपेसिटी भी है, लेकिन अभी वहां पर जितने भी गांव उस प्रोजेक्ट से प्रभावित है, लिपा, आसरंग और पंगी तक, वहां पर वो गांव बचेंगे कि नहीं बचेंगे, या उनका विस्थापन होगा, ये सब बातों को लेकर हम लोग इस विषय में बात करेंगे, और ओवरऑल भी के ये हाइड्रो पावर पॉलिसी हिमाचल प्रदेश में कैसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जरूरी इसलिए है बात करना कि जो काशिंग प्रोजेक्ट है उसको एनवायरमेंट इम्पैक्ट जो EIA है उनकी सहमति मिली है। कैसे वो मिली है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, और लोगों का वहाँ विरोध है। लोगों ने ये भी कहा है कि जो उनकी ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के विरोध के बावजूद, उनके प्रस्ताव के बावजूद वो प्रोजेक्ट कैसे बन रहा है। और आज हमारे साथ 3 गेस्ट हैं जिनको हम जिनसे हम बात करेंगे। मानशी आशर, जो कि रिसर्चर हैं पर्यावरण पे, जियालाल नेगी जी, जो कि जो फॉरेस्ट कमिटी होती है उसके वो मेंबर भी हैं, और वहां पर इस संघर्ष में काफी आगे हैं, और साथ में प्रकाश भंडारी, जो कि हमारे एनवायरमेंटलिस्ट हैं और पूरे इस काशी प्रोजेक्ट को बहुत नजदीक से देख रहे हैं। तो मानसी, सबसे पहले अगर हम आपसे बात कर सकें, क्योंकि आप एक संस्था के साथ भी जुड़े हैं जो कि हिमालय पे काम कर रही है, और आप ओवरऑल कैसे देखते हैं, क्या काशी एक सिर्फ आइसोलेटेड एग्जाम्पल है, और अगर आइसोलेटेड नहीं है तो आप, और खासकर आज के दौर में जब लोग मतलब अपनी जिंदगी बचाने की बात कर रहे हैं, तब ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर ब्लाइंडली इतना ज्यादा मतलब उसको सहमति देना, ओवरऑल आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को? किन्नौर और काशांग परियोजना की हम बात करें, उससे पहले मैं थोड़ा सा भौगोलिक संदर्भ इस इलाके का देना चाहूंगी। तो ये पश्चिम में हिमालय के पहाड़ों की बात कर रहे हैं हम लोग, जो कि काफी जियोलॉजिकली यानी भौगोलिक रूप से काफी संवेदनशील और प्राकृतिक रूप से भी नाजुक माना जाता है। इसमें काफी क्लाइमेटिक अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जैसे शिवालिक के पहाड़ हो गए, फिर मध्य हिमालय, उच्च हिमालय, और फिर एक मरुस्थल जिसको हम कोल्ड डेजर्ट कहते हैं, जहाँ पे बहुत कम बारिश होती है और बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है। इस तरह का ये क्षेत्र है जिसमें अलग अलग तरह की जैव विविधता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मिट्टी के प्रकार अलग अलग हैं, भौगोलिक फॉर्मेशन अलग अलग हैं, और इसको नाजुक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि तापमान या फिर मौसम या फिर लैंड यूज में जरा सा भी अंतर होता है तो उसके बहुत बड़े प्रभाव हम लोगों को दिखते हैं, चाहे वो सामाजिक प्रभाव हो या फिर वो प्राकृतिक प्रभाव हो। सामाजिक प्रभाव इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो लोग, जो समाज बसे हुए हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में, वो पूरी तरह से अपनी आजीविका के लिए जल जंगल जमीन पर निर्भर हैं, चाहे खेती हो, पशुपालन हो, या फिर वनोपज लाना हो, तो सारा जो जनजीवन है वो उसी से चलता है। लगभग 70 से 90% लोग जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेस पे डिपेंडेंट है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी इस क्षेत्र के बारे में कि ये सिंधु
नदी घाटी में पड़ता है, मतलब कि हिमाचल की जो चार मुख्य नदियां हैं, सतलज हो गई सबसे बड़ी, उसके बाद फिर ब्यास, रावी और चेनाब, ये जो चार नदियां हैं ये सिंधु इंडस रिवर बेसिन का हिस्सा है, और ये बहुत ही स्पेशल रिवर बेसिन है, बहुत स्पेशल नदियां इसलिए हैं क्योंकि ये ग्लेशियल रिवर्स हैं, यानी कि बर्फ के जो ग्लेशियर होते हैं वो धीरे धीरे पिघलते हैं और ये नदियां इससे बहती हैं या बनती हैं। ये काफी सिल्ट और बड़ी मात्रा में पानी जो है वो प्लेन्स तक लेके जाते हैं, और एक जो पूरा इंडो गैंजेटिक प्लेन है जिसमें बहुत उपजाऊ खेती होती है, मिट्टी की उपजाऊ मिट्टी की वजह से, वो भी पूरी पहाड़ों से इन नदियों के माध्यम से पहुंची हुई मिट्टी है। अगर ये सिर्फ मतलब पहाड़ों के लिए जीवन रेखाएं नहीं है ये नदियां, ये मतलब बहुत ही बड़ी जनसंख्या के लिए जरूरी है, इसके साथ कई धार्मिक आस्थाएं भी कनेक्टेड हैं, ये कई जगह इसको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो नदियां अपने आप में भी जरूरी हैं और आसपास के समाज के लिए भी जरूरी है। अब अगर हम हिमाचल का परिप्रेक्ष्य देखें तो चेनाब नदी और सतलज का जो ऊपरी हिस्सा है उसको छोड़कर करीब करीब पूरी नदी पर परियोजनाएं, नदियों पर परियोजनाएं, बिजली परियोजनाएं बन चुकी हैं। इवन जो छोटी सहायक नदियां हैं जिनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, उन पर भी छोटी छोटी परियोजनाएं लग रही हैं और लगी है। कुल 28 बड़ी 25 मेगावाट से ज्यादा की परियोजनाएं हिमाचल में बन गई हैं, 10,000 मेगावाट की और 13,000 मेगावाट की और परियोजनाएं, तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कितना कितना ये कितने मैग्नीट्यूड और स्केल में ये काम डैम्स का हिमालय और हिमाचल में हो रहा है। इसकी शुरुआत जो है वो हम देखते हैं आजादी के बाद, जैसे भाखड़ा बांध बना सतलज नदी पर, और काफी वो बड़ा बांध था जिसमें हजारों लोग विस्थापित हुए और लगभग 40,000 हेक्टेयर जंगल डूबा। लेकिन जो पहले जो बांध बने जिनको हम रिजर्वायर बेस्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जो 90 के दशक के बाद बांध बनने शुरू हुए, उससे अलग थे। अभी जो बांध बन रहे हैं इनको हम रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, और हमें ये बताया जाता है कि ये जो है ये क्लीन एनर्जी या फिर ये बहुत ही साफ सुथरे प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि पर्यावरण और समाज पर इनका इतना प्रभाव नहीं पड़ता, इतना डूब क्षेत्र इनमें नहीं होता, इतना विस्थापन नहीं होता, इसलिए ये बांध बेहतर है। अब अगर हम इस रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट की डिजाइन देखें तो ये बनता कैसे है, ये नदी का जो कुदरती प्रवाह होता है, तेज प्रवाह, उसको रोका जाता है और नदी को सुरंग के माध्यम से मोड़ा जाता है, सुरंग के अंदर, पहाड़ के अंदर सुरंग निकाल के वो सुरंग से नदी को कहीं नीचे ले जाकर फिर तेजी से निकाला जाता है वो ग्रेडियंट को यूज करते हुए, और उससे वहां पे पावर हाउस बना के वहां पे एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी को बनाया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जहां पे सुरंग बनी है वहां पे नदी सूख जाती है, वो सुरंग के अंदर बह रही है ना कि नदी के तट पे, और ऐसी बम्पर टू बम्पर एक के बाद एक परियोजनाएं प्लान्ड है, जैसे सतलज नदी पे कुल लगभग 150 छोटी बड़ी परियोजनाओं का इन्होंने सरकार ने प्लान बनाया था। अभी तक 10 बड़ी परियोजनाएं तो इस नदी पर हैं और कई छोटी मोटी परियोजनाएं और हैं और कई और बनने वाली हैं, कुल 10,000 से 13,000 मेगावाट के बीच परियोजनाएं बनाने का सिर्फ सतलज घाटी पे, नदी घाटी पे प्लान है। तो एक तो इसमें नदी गायब हो जाती है नदी तट से, वो एक बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बड़ी बात है कि जो टनल ये बनाए जाते हैं पहाड़ को खोखला करके, डायनामाइटिंग करके बनाए जाते हैं, तो पहाड़ में इसके दो बड़े इम्पैक्ट सामने आए हैं, एक कि ये जियोलॉजिकली पहाड़ को काफी डिस्टर्ब करता है जिसकी वजह से काफी इरोजन होता है, स्लोप फेलियर होता है, भूस्खलन या लैंडस्लाइड्स होते हैं, दूसरा कि ये इससे जियो हाइड्रोलॉजी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और नदियां जो जो चश्मे जो हैं, जो पानी के जो कुदरती अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स जिसको कहते हैं, वो
सूखने लगते हैं जिसपे लोग अपनी खेती के लिए निर्भर हैं। तो एक अगर हम हिमाचल का नक्शा उठाकर देखें तो हम देखेंगे कि लगभग लगभग 90% जो पूरा राज्य है वो अकॉर्डिंग टू स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वो हाईली डिजास्टर प्रोन है। वहां पे या तो बाढ़ आती है या फिर भूस्खलन आता है या अर्थक्वेक प्रोन है। और अगर हम इन परियोजनाओं का मैप उस मैप पे लगा के देखें तो हम देखेंगे कि जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई डिजास्टर प्रोन एरिया है, जहाँ पे सबसे ज्यादा आपदाएं आने की आशंका है, वहीं पे परियोजनाएं भी ज्यादा लगी हुई हैं और भी बन रही हैं। तो ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। इस पे हमें सवाल खड़ा करना चाहिए कि एक जब हम जानते हैं, जब वैज्ञानिक रूप से हमें पता है कि वैज्ञानिकों को पता है कि ये इलाका कितना संवेदनशील है, यहाँ पे हम इस तरह का निर्माण, विनाशकारी निर्माण क्यों कर रहे हैं और ये विनाशकारी निर्माण से वहां उस इलाके को और हम संवेदनशील कर रहे हैं, तो ये भी एक हम लोगों के सामने समस्या है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि पहाड़ों में लैंड यूज यानी कि जमीन का जो हम उपयोग करते हैं उसके बदलाव के प्रभाव बहुत बड़े हैं और बहुत ही कम समय में हमने देखा है हिमाचल में, बहुत ही कम समय में बहुत ही तेजी से लैंड यूज चेंज हुई है और वो उसका एक बहुत बड़ा कारण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का विकास है। जियालाल जी, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है काशांग प्रोजेक्ट, आप थोड़ा समझाएंगे कि ये कैसे बना है और कैसे लोगों की भागीदारी रही है या लोगों को कुछ, ये जो कहा था कि एक्टिव स्टेक होल्डर्स होंगे उनको कुछ हासिल होगा। और मैंने एक सरसरी कैलकुलेट किया था पुराने जमाने में कि अगर 8000 मेगावाट है तो रफली 8000 मेगावाट को अगर हम पैसे में करेंगे तो करीब 10,000 करोड़ बनता है। अगर 10,000 करोड़ का 10% भी मिलेगा तो 1 लाख तो आबादी है किन्नौर की, सबके घरों में लाखों रुपए जा सकते थे लेकिन कुछ भी नहीं गया है। तो अगर आप थोड़ा समझाएंगे कि काशिंग से क्या असर पड़ रहा है, लोगों की क्या उसमें सहमति है, असहमति है, फिर भी क्यों हो रहा है? तो ये मतलब जो ये जो लैंडस्लाइड का जो प्रॉब्लम है वो किन्नौर में सबसे एक मेजर प्रॉब्लम है और बाकी जो फसलों का नुकसान वगैरह जो हुआ है इसकी वजह से, जो पॉल्यूशन की वजह से, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। जैसे 2000 में कोई 20 करोड़ के आसपास जो पैसा है वो वहां के जो कच्छा मुआंगतू जो एरिया है वहां पे कम से कम 1023 जो परिवार है उन लोगों में बांटा था, जो कि बहुत कम था वहां के नुकसान के हिसाब से। तो उस तरह से मतलब कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत एक वो जो रिलीफ है वो तो गवर्नमेंट दे रही है पर लोगों का नुकसान बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और जैसा नेशनल जो सिक्योरिटी का एक इशू है जो हम लोग हमेशा उठाते हैं, जो आप कह रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े यहाँ पे एक जो डैम्स जो बना रहे हैं, जो रिजर्वायर्स जो बना रहे हैं, वो एक कभी भी जो है एक सॉफ्ट टारगेट भी हो सकता है यहाँ पे। अगर इतना बड़े जो डैम को अगर कभी कुछ खतरा हो गया और वो भी बिल्कुल आपके बॉर्डर एरिया पे चाइना के साथ बिल्कुल नजदीक पे, तो ये भी हम लोग इस इशू को भी हम लोग हमेशा से उठाते रहे हैं। और इसमें बहुत सारे अब जैसे बहुत सारे इसमें फंड्स की जो लैप्सिस है उसके बारे में भी हम लोग बोलते रहे हैं। लाडा एक जो है बहुत बड़ा इशू है, लाडा का जो पैसा है उसमें वो टाइमली जो प्रोजेक्ट कंपोनेंट्स है लाडा का पैसा जमा नहीं करते हैं। लोकल एरिया डेवलपमेंट जो फंड है, हाँ जी, लोकल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसमें पैसा जमा नहीं करती है। और एक और उसमें एक फंड है कैट प्लान का, जो कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान का, उसमें जो 2% जो पैसा जमा करना होता है वो जमा करती है पर उसका लोकल इन्वॉल्वमेंट उसमें बिल्कुल नहीं है। जो एक कम्युनिटी को पता ही नहीं होता है कि ये पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है, ये सारा का सारा जो पैसा है इसका जो मतलब बांटना होता है वो शिमला से ही सब ये बना के ये लोग बांट देते हैं। अब ये कहाँ कहाँ लगाते हैं, इनका कहाँ पे ये लोग मतलब एफॉरेस्टेशन करते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में भी बहुत बड़ा एक इशू है यहाँ। और जैसे अभी आप पांगी वाला जो काशंग वाला जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में जैसे आप बात कर रहे थे, इसके बारे में बहुत जो है काम जो है प्रकाश जी और ये इन लोगों ने वहाँ पे किया है, ये आपको बेहतर बता सकते हैं। इसमें मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि वहाँ पे जो एक अभी जो कीरंग का जो खड़ है,
जो लिप्पा में, उसको जो है डाइवर्ट करके जो काशंग इसमें जो खड़ है, जो ट्रिब्यूटरी है सतलुज का, इसमें मिलाना है। तो वहां के लोगों के बहुत विरोध करने के बावजूद भी तो सरकार जो है, जो शासन प्रशासन है, वो उस प्रोजेक्ट को बनाने पे ही मतलब तुली हुई है। और उसमें जो हमारे जनजातीय कानून है, जो हमारे पास मेनली यहाँ पे तीन कानून है जो हमारे बचाव के लिए है, जो ट्रांसफर ऑफ लैंड रेगुलेशन एक्ट जो 1968 का है, और हमारे पास पैसा एक्ट है जो 1996 का, और जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 का, उसके जो प्रोविजंस है उसको कोई यहाँ पे मतलब कोई मानने को तैयार नहीं है। मतलब वो लोग मानते ही नहीं इनके प्रोविजंस को, वो अपना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना कोई एक्ट बता देती है, जबकि उसमें यहाँ का जो ये जो स्पेशल जो कानून है वो हमेशा प्रिवेल करता है। इस चीज को ये लोग मतलब नजरअंदाज करते हैं ताकि वो जो है प्रोजेक्ट किसी तरह से बना सकें। अच्छा, बहुत धन्यवाद जियालाल जी, हम दोबारा आएंगे, क्योंकि ये तीनों एक्ट्स की जो आपने बात कही ये महत्वपूर्ण एक्ट्स भी हैं। और थोड़ा हम चलते चलते आपसे ये भी बाद में पूछना चाहेंगे कि एक्चुअली जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था, मतलब फॉरेस्ट जो आपको जमीन मिलनी चाहिए थी, कितना अभी तक जमीन मिल पाई है? और सुना तो ये है कि ऑलरेडी यहाँ लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन खैर वो बात हम बाद में आएंगे। प्रकाश, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो पूरा काशिंग प्रोजेक्ट का जो सवाल है, और अभी जो एकदम हाईलाइट भी हुआ है और लोग उसमें काफी विरोध में भी हैं, तो असल में माजरा क्या है? और मैं सिर्फ अपने दर्शकों को, खासकर जो हिंदुस्तान और दुनिया में जो देखते हैं, उनको ये बताना चाहूंगा कि लिप्पा आसरंग वो गांव है, खासकर लिप्पा, जहां पर मुझे याद है मैं एक बार फॉरेस्ट राइट्स की मीटिंग के लिए गया था, और जिस रात में गया था मैंने रात को वहां पर जो हमारा बर्फानी तेंदुआ होता है वो देखा था। तो मतलब अभी भी इस समय में जब मई में गर्मी में लोग जल रहे हैं, शायद लिप्पा में इस वक्त भी ऊन के कोट डाल के लोग रहते हैं, तो उस वैली से हम लोग बात कर रहे हैं और वहां पर ये प्रोजेक्ट बन रहे हैं जो लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे। प्रकाश प्लीज समझाएं इसको। अच्छा, ये जो इंटीग्रेटेड काशांग प्रोजेक्ट है, एक्चुअली ये चार स्टेजेस में है और इसकी टोटल कैपेसिटी 243 मेगावाट। शुरू में जब हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया था तो उस समय केवल स्टेज वन सोचा था उन्होंने, जिसमें कि 65 मेगावाट बिजली बननी थी। लेकिन उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट को जब फंड किया तो उसमें इन्होंने तीन अदर स्टेजेस जोड़ी, जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो जो फर्स्ट स्टेज है 65 मेगावाट वो बन चुकी है, उसमें जो कि जो कासांग खड है उसके पानी से 65 मेगावाट की बिजली बना रहे हैं। स्टेज सेकेंड एंड थर्ड में इनका प्लान है कि जो बगल की घाटी से जहां केरंग नदी बहती है उसको पूरा डाइवर्ट करके इसको कासांग नाले तक लाया जाए, इंटरलिंक किया जाए उससे, और उससे 130 मेगावाट की बिजली बनाई जाए। और जहां से इसका डायवर्जन होता है उसके ऊपर फिर स्टेज फोर्थ बनाई जाए, जिसमें कि एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट 48 मेगावाट बनाने का एक प्लान है। तो स्टेज वन में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी तो उन्होंने वो बना ली, लेकिन आज के दिन उसके हमें इंपैक्ट्स दिखते हैं। लेकिन जो स्टेज सेकेंड एंड थर्ड है उसका जो विरोध है, ये जब से ये प्रोजेक्ट कंसीव किया और उसके बाद जब से ये सर्वे करने के लिए आए हैं 2009 से, लोगों ने इसका कंटिन्यूस अपोज किया। इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है इससे यहां जो लिप्पा गांव है और उसके अस्तित्व को खतरा है, और जहां पर उनके खेत हैं जिससे उनकी आजीविका चलती है उसको भी इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा खतरा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कमी यह थी कि ये जब नदी को एक घाटी से दूसरी घाटी में जब ट्रांसफर कर रहे थे तो इन्होंने कहीं पे भी डाउन स्ट्रीम के जो इंपैक्ट्स होते हैं वो नहीं स्टडी किए। जो लिप्पा गांव है वो पेजर और केरंग के जो कॉन्फ्लुएंस में बसा हुआ है, और इसमें क्या होता है कि जो पेजर है उसका वैसे तो पानी बहुत कम है, लेकिन जो गर्मी के सीजन में, बरसात के सीजन में उसमें बहुत ज्यादा भारी उसमें फ्लड्स आते हैं, वो अपने साथ बहुत ज्यादा सिल्ट लाती है। ये आपको दिखेगा कि जब आप केरंग के जब केरंग स्ट्रीम को फॉलो करेंगे जहां नेशनल हाईवे जा रहा है वहां पर केरंग खड्ड में इतना ज्यादा मलबा है कि उसने सतलज को नेक्स्ट साइड पुश कर दिया है, वो दूसरी साइड को पुश किया है, प्लस वहां पे क्वेरिंग चलती है, और हिमाचल प्रदेश सरकार को हर तीसरे चौथे साल वहां पे जो ब्रिज है उस नेशनल हाईवे 5 में उसकी हाइट बढ़ानी पड़ती है। तो उसमें इतना ज्यादा मलबा आता है,
तो अभी तक क्या होता है कि ये जो पेजर का मलबा आता है तो इसमें केरन में पानी ज्यादा होने की वजह से इसको बहा के नीचे ले जाता है, क्योंकि जहां पर ये गांव है वहां पे बहुत ज्यादा फ्लैट लैंड है, तो लोगों को लगता है कि अगर इन्होंने पानी डाइवर्ट कर दिया तो उसका जो मलबा होगा वो इधर जमना शुरू हो जाएगा, उससे ये जो पूरा गांव है हमारा वो इस मलबे के नीचे दब जाएगा। ऑलरेडी अगर आप वहां के फोटोग्राफ्स देखेंगे तो बहुत सारा एरिया, बहुत सारे खेत इनके मलबे के अंदर दब चुके हैं। अब जो दूसरी बात है कि जहां पे इन्होंने डाइवर्जन वियर बनाना है जिस जगह पे, वो है लापमुहाल में। यहाँ लिप्पा में इनके पास बहुत कम जमीन है, कुछ जमीन जो ऑलरेडी दब चुकी है, लेकिन इनकी जो मेन खेती है वो लापमुहाल में है और वहां पर ये लोग डाइवर्जन वियर बनाने जा रहे हैं। इसके साथ 3 या 4 एडिट टनल साथ में बननी है और उसी के साथ लगते हुए लोगों के खेत हैं जो कि टोटली जो आपके स्प्रिंग वाटर है, स्प्रिंग और या सीपेजेस हैं, उससे इरिगेशन होती है, उस पर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है, यहां पर बिना इरिगेशन के कोई खेती नहीं हो सकती, तो उसका वो पानी यूटिलाइज करते हैं। और ये बहुत देखने में आया हुआ है कि जहां पर भी ये टनल्स बनी है, जहां पर भी ये ब्लास्टिंग हुई है टनल बनाने के लिए, वहां पर जो वाटर सोर्सेज है वो सूख गए हैं। ये कर्छमवांगतु में भी दिखता है, जहां हमारे पास इरिगेशन एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का डेटा भी है जो कहते हैं कि एटलीस्ट 30-40% जो स्प्रिंग्स थे वो गायब हो गए, 50% से ज्यादा के जो स्प्रिंग्स थे उसमें पानी कम हो गया। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसमें ये है कि जो HPPCL है वो कहता है कि हम इनको इरिगेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो इरिगेशन चैनल से होनी है उसकी एक लिमिट है, वो हर खेत तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो एक ही एल्टीट्यूड में जाएगा, इनके खेत ऊपर भी हैं नीचे हैं, तो इनको लगता है कि हर खेत में नहीं पहुंच पाएगा। और प्लस जो ब्लास्टिंग होगी और जो उससे एक लैंडस्लाइड क्रिएट होगी, लैंडस्लाइड्स आएंगी, उससे भी खेतों को नुकसान होगा। प्रकाश, एक चीज समझाएं मुझे आप, वो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद के लोगों का बहुत विरोध है, ग्राम सभाओं के प्रस्ताव है, फिर भी प्रोजेक्ट कैसे बन रहे हैं? अब इसमें क्या हुआ था कि जब इसको एनवायरमेंट क्लियरेंस अराउंड 2010 के आसपास मिली, तो उसी समय रारंग गांव, क्योंकि एक और अफेक्टेड गांव है जहां से इसके टनल जानी है, उन्होंने इसके एनवायरमेंट क्लियरेंस को NGT में चैलेंज किया। और साथ ही साथ 2014 में लिप्पा गांव की ग्राम सभा ने इसके फॉरेस्ट क्लियरेंस को भी NGT में चैलेंज किया। जो एनवायरमेंट क्लियरेंस में है इनको कोई राहत नहीं मिली, लेकिन जो फॉरेस्ट क्लियरेंस है उसमें, क्योंकि 2009 में एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक गाइडलाइन, एक एडवाइजरी निकाली थी जिसमें यह कहा गया था कि आपको लोगों के जो हक हैं, वनों पे जो हक हैं, उनको वन अधिकार कानून के तहत सेटल करना पड़ेगा, प्लस आपको ग्राम सभा से, जो गांव की ग्राम सभा है उससे आपको NOC लेनी पड़ेगी। तो क्या हुआ था कि ये जो कंडीशन थी, ये इन्होंने जब इनको इन प्रिंसिपल फॉरेस्ट क्लियरेंस मिला तो उसमें भी ये कंडीशन रखी गई थी, लेकिन इन्होंने इसको फॉलो नहीं किया और इसी चीज को लिप्पा गांव ने NGT में चैलेंज किया। और 2006 में इसमें NGT का जजमेंट भी आया जिसमें ये कहा गया था कि आपको जो कंडीशन नंबर, जो भी वो FC की कंडीशन है, उसका पालन करना पड़ेगा और प्लस साथ में आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट की जो एडवाइजरी है 2009 की, वो भी आपको पालन करनी होगी। लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई पालन नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि 2018 में इन्होंने, जब पूरे लिप्पा गांव ने अपने सामूहिक अधिकार और प्लस 51 इंडिविजुअल के अधिकार जो सबमिट किए थे, उसमें से क्या किया कि इन्होंने जो केवल कम्युनिटी जो राइट्स थे इसको सेटल किया, करीब ये किया था इन्होंने अगस्त 2018 में, DLC ने अप्रूव कर दिए। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद नवंबर 2018 में हिमाचल कैबिनेट ने इनको जो लैंड, जो फॉरेस्ट लैंड जो डाइवर्ट हो रही थी, उसकी लीज की परमिशन दे दी। जबकि अगर हम वन अधिकार कानून की बात करें और आपके एक बार राइट्स में अप्रूव हो गए हैं, तो उसका ये मतलब होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार उस वन भूमि की मालिक होगी, लेकिन साथ ही साथ जो लोग हैं उसमें, जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, चाहे वो चिलगोजा है, चाहे वो घास है, चाहे पत्ती है, जो भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके वो भी मालिक होंगे। तो अब जो फॉरेस्ट, जो भी लैंड होगी हिमाचल में जो वन अधिकार कानून के अंदर, उसके अब दो मालिक बनते हैं। लेकिन अभी भी हिमाचल प्रदेश सरकार यही मानती है कि ये जितनी भी वन भूमि है इसके हम मालिक हैं
और हम इनको परमिशन दे सकते हैं और इसमें हमें ग्राम सभा की कोई भी एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। तो इसी चीज को लेकर अभी ये सिचुएशन है, तो इसमें अब फ्यूचर क्या होने वाला है काशंग का भी, और फिर हम जियालाल जी से पूछे जाएंगे कि एक्चुअली जहां मालिक तो कम्युनिटी है वो स्टेट ने उसको यूसर्प कर लिया है, लेकिन इस काशंग प्रोजेक्ट का फ्यूचर क्या होगा? क्या ये आगे बढ़ेगा, या लोगों के विरोध के बाद इसमें एडीबी का पैसा भी है पीछे हटेगा? आप कैसे देख रहे हैं इसको? अभी तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये अभी जो केस है इसी चीज को लेते हुए जो लोग जो ग्राम सभा है वो अभी हाईकोर्ट भी गई है। हाईकोर्ट में इन्होंने ये जो गवर्नमेंट का जो कैबिनेट का डिसीजन है लीज देने का उसको चैलेंज किया हुआ है। एक तो उस पर निर्भर करेगा कि ये बात कहाँ आगे बढ़ती है। लेकिन अब ये भी है कि एक तरीके से कि हमें जो पूरे अभी जो जिया जी भी बता रहे थे ट्राइबल लॉज हैं, क्या अगर ट्राइबल एरियाज में ये लोगों को ये पावर है कि वो ये तय करें कि उनको किस प्रकार का विकास चाहिए, उनको ये पावर है कि वो अपने जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उनकी सुरक्षा कर पाए, रक्षा कर पाए, अगर ये चीज वो कर ही नहीं पा रहे, अगर ये चीज सरकार उनको ये करने नहीं दे रही है, तो फिर मेरे का सवाल ये होता है कि फिर ये पेशा कानून या वन अधिकार कानून ये बनाने का फायदा क्या है? यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है कि लोगों के गांव का अस्तित्व का खतरा है, लोगों की आजीविका को खतरा है, लोगों के चारों तरफ के पर्यावरण को खतरा है, लेकिन लोग कानून होने के बावजूद जो कि भारतीय संसद ने पारित किए हैं ये कानून, उन कानून के तहत भी लोग अपने इन चीजों की रक्षा नहीं कर पा रहे, वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पा रहे, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि ये कानून का फिर मतलब क्या है। और यहाँ जो कासांग की लड़ाई है इसमें ये जरूर है कि लोग काफी थक गए हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी चली है, 2008 से लेके अब 2020 चल रहा है, करीब 12 साल तक वो लोग लड़े हैं। दिल्ली पूरे ये जो एनजीटी में जो केस चला है 4-5 साल चला है इसका, इसके लिए वो हमेशा वो जो हियरिंग अटेंड करने के लिए वो दिल्ली गए हैं, वहां से एक पॉजिटिव डिसीजन मिला, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा तो लोग कब तक लड़ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। कहीं ना कहीं लोग भी टूट रहे हैं वो जरूर है, लेकिन वो जो टूटन है वो ये है कि जो भारतीय कानून प्रक्रिया है उसमें से लोगों का एक विश्वास हट रहा है। मानसी आपसे बाद में आप लास्ट वर्ड आप कहना, क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा लिमिटेड। जियालाल जी आपसे अगर मैं बात करना चाहूंगा कि मुझे मैंने काफी समय एक्चुअली किन्नौर में बिताया है, तो मैं तकरीबन सारे गांवों में गया हूँ। एक उस जमाने में हम देखते थे कि एलिनेशन, मतलब जिससे लोग बहुत परेशान थे, जैसा जो अभी प्रकाश ने कहा कि लोग बहुत परेशान हैं, और मुझे 1950 के दशक का वो नारा याद है कि वो एलिनेशन अपने चरम सीमा पर थी, और कुछ आपके ट्राइबल लीडर्स ने कहा पेकिंग नजदीक है दिल्ली दूर है, और अब मालूम है उनके उसके बाद उनके खिलाफ खैर वो सेडिशन के चार्जेस लगे। तो आपको नहीं लगता कि ये इतना सेंसिटिव जोन है, और आपने सिर्फ दर्शकों को बताएं तो मुझे नहीं लगता है कि 50 किलोमीटर दूर भी आप एयर डिस्टेंस पे है मतलब चीन के साथ, तो जहां एक तरफ लोगों की पार्टिसिपेशन भागीदारी और किन्नौर कैसे होना चाहिए उनकी भागीदारी से होना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं तो पूरा का पूरा अथॉरिटेरियन फॉर्म है जो आज और पूरा नेशनलाइज हो रहा है रिसोर्सेज का, मतलब पूरा दिल्ली उसका पूरा पैसा ले जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे पूरे परिदृश्य को? बिल्कुल जी, अब इसमें देखिए जो हमारे पास जो भी यहाँ पे ट्राइबल लॉज है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ये 3 ट्राइबल लॉज को अगर फॉलो किया जाए तो यहाँ पे सारा काम जो है अच्छी तरह से जो है होने वाला है। परंतु जो है यहाँ पे जो हमारे लॉज है, जो लॉ जिनको लॉ का जो है इम्प्लीमेंट करना है वही यहाँ पे लॉ को ब्रेक करने वाले हैं सारे के सारे, मतलब लॉ मान ही नहीं रहे वो लोग। जैसे मैं फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात करूँ, इसमें अभी रिसेंटली जो ये लिप्पा गांव का ही जो ये केस है, इसमें जो 51 जो केसेस थे जो फॉरेस्ट राइट एक्ट के जो फाइल्स थे उसको ऐसे ऐसे मतलब कंडीशंस और ऐसे ऐसे जो राइडर्स लगा के जो है उसको रिजेक्ट किया गया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी है उसके जो चेयरमैन है वो डिप्टी कमिश्नर होते हैं यहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे उसमें मतलब ये राइडर्स लगाए हैं। उसमें एक आपको मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दूं, उसमें एक इन्होंने एक क्वेरी ये लगा दिया कि यहाँ पे जो है आपने 3 जनरेशन से यहाँ पे रह रहे हैं उसका सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया, तो
तो आप मान सकते हैं कि ट्राइबल्स को आप बोल रहे हैं कि आप तीन जनरेशन से नहीं रह रहे हैं। तो ये एक मतलब बहुत ही हास्यास्पद एक बात है कि ट्राइबल्स को बोल रहे हैं आपने तीन जनरेशन का सर्टिफिकेट नहीं लिया। ट्राइबल्स का मतलब क्या क्या होता है? जो सदियों से यहाँ पे रह रहा है वो तो अपने आप में एक प्रूफ है, और वो ट्राइबल सर्टिफिकेट तो उसने लगा ही रखा है। तो मतलब उसको रिजेक्ट करने के वो 100 मतलब तरीके अपना रहे हैं, एक्सेप्ट करने के लिए जो है उनके पास बहुत सारे मतलब कानून में प्रावधान है, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये एक मैं एक फॉरेस्ट राइट जो एक्ट है उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। बाकी जो यहाँ पे जो एक विकास की जो बात है, जो पावर प्रोजेक्ट्स के वजह से जो एक ठीक है, इसका बिजली का मतलब देश को ये है मतलब फायदा है, देश को जरूरत है, ये हम मान सकते हैं। परंतु एक ही नदी पे आप कितने बना सकते हैं, उसका जो कैरिंग कैपेसिटी है इसके बारे में मतलब सोचना बहुत जरूरी है। जो एक क्यूमुलेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो एक इन लोगों ने एक स्टडी भी किया था सतलुज बेसिन पे, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें उन्होंने दिया था कि 5 किलोमीटर कम से कम छोड़ा जाना चाहिए। जैसे मानसी जी ने कहा यहाँ तो बम्पर टू बम्पर सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, और यहाँ पे जो ब्लास्टिंग्स वगैरह जो टनल्स में हो रहे हैं उसकी वजह से जो नुकसान हो रहा है उसका कोई असेसमेंट यहाँ पे कोई नहीं कर रहा है। तो हैवी ब्लास्टिंग्स की वजह से लैंडस्लाइड यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जो यहाँ पे हम लोगों को ऐसा लगता है यहाँ जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की वजह से जो लोगों का यहाँ पे विकास होना चाहिए वो हमें कहीं पे एज सच दिखता नहीं है। हाँ, ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि चार पांच थोड़े से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं या सो कॉल्ड जो ठेकेदार हैं यहाँ पे, वो लोग 2-4 जैसे टनल खोद दिया और वहां पे हैवी ब्लास्टिंग करके जो उन लोगों ने जो थोड़ा बहुत पैसा जो पॉइंट मतलब 1% आदमी हो सकता है कि उसमें कुछ फायदा उठा रहे हो, वो भी वही लोग उठा पा रहे हैं जिनका यहाँ पे मतलब वो थोड़ा सा है पॉलिटिकली जो थोड़े से साउंड है या जो ठेकेदार लॉबी है, तो यही लोग यहाँ पे थोड़ा सा पैसा कमा रहे हैं। बाकी जो आम आदमी है उन लोगों को यहाँ पे धूल और मिट्टी के सिवाय कुछ मिल नहीं रहा है। ये मैं कहना चाहता हूँ। मानसी, लास्ट वर्ड पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आपके साथ नहीं है, पॉलिटिकल हायरार्की जीएलएल जी ने समझाई और नेक्सस समझाया कि एक्चुअली आप कुछ जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वही पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं वहां पर, तो ऐसे में और जैसा प्रकाश भी बोल रहे हैं कि थक गए हैं लोग, एक्चुअली उनकी भी एक कैपेसिटी है कितना लड़ेंगे उस पूरे को, क्या रास्ता दिख रहा है इसमें, क्या क्या होगा क्या इसमें है? हाँ, मतलब बहुत कठिन सवाल पूछा है आपने, और ये हम लोग सब जूझ रहे हैं इससे, बड़े बड़े जो संगठन हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी जूझ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें ये कहूंगी कि हम लोग की चर्चा अक्सर जो है वो कानूनी दायरे में रह जाती है, और हम लोगों को उससे आगे जाके चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे वो आदिवासी लोगों के अधिकारों के का मुद्दा हो, हम लोगों को जो विकास का जो मॉडल है, जो एक एक अर्थव्यवस्था है, उस पे भी सवाल उठाना पड़ेगा। क्योंकि सारे जो मुद्दे उत्पन्न हो रहे हैं उसकी जड़ें कहीं ना कहीं वही हैं। अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की भी बात करें, जहां तक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की का सवाल है, हम ये कह रहे हैं कि भाई नुकसान तो लोग बहन कर रहे हैं और फायदा जो है वो किसी को हो रहा है। तो वो फायदा भी अगर हम देखें, जो सरकार कह रही है कि प्रॉमिस्ड ऑब्जेक्टिव है कि इससे हम राजस्व कमाएंगे, उस पे भी सवाल है। क्योंकि जो हाइड्रोपावर का हम अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें हिमाचल का ही 10 सालों का, तो हमें ये दिखाई देगा कि रेवेन्यू लॉसेस हो रहे हैं इसमें। ये बिजली जो है वो इतनी महंगी पड़ रही है क्योंकि ये आप गलत जगह पे प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये इसमें इतने नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपके कोयले की बिजली ज्यादा सस्ती बन रही है अलग अलग वजह से। मतलब वो बिजली बाजार का पूरा एक एनालिसिस अगर हम करेंगे तो हम पाएंगे। तो और अब सरकार चाह रही है किसी न किसी तरह से फिर भी इसको पुश करना, इसको सब्सिडीज दे के राज्य सरकारों के लिए कंपल्सरी करके कि इसको आपको खरीदना पड़ेगा हाइड्रोपावर को, जहां पे ये 3 रुपए पर यूनिट होना था वहां ये 6 हो रहा है, इसका डबल कहीं 10, और अब इसके फाइनेंशियल कॉस्ट का कोई मतलब हिसाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक जो विकास का मॉडल है कि क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव्स भी पे भी सफल हो पा रहा है, उस पे भी सवाल उठाने की जरूरत है, जो एक प्रॉमिस्ड ऑब्जेक्टिव है। और इसमें मतलब एक तरह से बिजली के प्रोडक्शन में या हर
इकोनॉमी की जो पूरी रनिंग है, जैसे हम सोसाइटी में कह रहे हैं कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन की बात करनी है, वैसे हमें इकोनॉमी में भी और प्रोडक्शन और कंजम्पशन में भी उस चीज की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें अक्सर ये बताया जाता है अच्छा ठीक है अगर इस न्यूक्लियर से नहीं तो हम नदी से बनाएंगे बिजली, अगर नदी से नहीं बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, आप सोलर से भी बनाइए, आप विंड से भी बनाइए, अगर आप स्केल पे बनाएंगे तो कहीं ना कहीं तो नुकसान होगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी कोई पर्यावरण उसका कोई पर्यावरण नुकसान ना हो। वो तकनीक किसके हाथ में है, वो प्रोडक्शन किसके हाथ में है, अगर पूंजीपतियों के हाथ में है तो उनका तो सबसे पहला मोटिव है कि प्रॉफिट कमाना, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, तो उसमें फिर लोग जो वहां रह रहे हैं उनके अधिकारों को तो इम्पैक्ट होगा ही होगा। जब तक हम इस नीति पे सवाल नहीं उठाएंगे तो केवल हम कानूनों से ये लड़ाई नहीं लड़ सकते, या इन चीजों से जो पर्यावरण और जो सामाजिक जो एक तरह से इनइक्विटीज हैं, जो ह्यूमन नेचर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। आई थिंक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यही है, और लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी ये समय शायद मैच्योर हुआ है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन काशिंग प्रोजेक्ट भले ही हम ये कह सकते हैं कि एक माइक्रो लेवल पे दिखा रहा है, जैसा आपने कहा पॉलिसी डायरेक्शन क्या है, लेकिन हिमाचल का भी विकास क्या होना चाहिए इस पे भी थोड़ा सा आने वाले समय में हमें लगता है कि वाइड स्प्रेड डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि और अभी हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो हम पूरा वो डिस्कस करते। डॉक्टर परमार ने किस फाउंडेशन पे इस स्टेट को बनाया था, और आज मुझे लगता है वही दोबारा रिविजिट करने की जरूरत है, ताकि हम लोग जो ये पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कर रहे हैं, कहाँ सस्टेनेबिलिटी होगी, लोगों के गांव टूट रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, उनकी इकोलॉजी खत्म हो रही है, तो ये तो सस्टेनेबल मॉडल नहीं हो सकता है। आप सबका बहुत धन्यवाद, मानसी आपका भी, जयलाल जी आपका भी बहुत ज्यादा धन्यवाद, प्रकाश आपका भी कि आपने बात रखी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो आज हमारा हालांकि बिल्कुल छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन कुछ हम इससे एक चर्निंग शुरू करने में कामयाब रहेंगे। और दरअसल ये बहुत हैरानी की बात है कि जहां फॉरेस्ट ड्वेलर्स पे 3 generation का कानून है वहां ये लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक भी है कि किस दिशा में हम लोग जा रहे हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद कि इस पे हम लोग डिस्कस कर सके। थैंक यू।